तो 24 घंटे होने वाले। ओ नहीं 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 देखना नहीं है, पता करो ये क्या हो गया यार, अकल करो, अभी से झगड़ा शुरू कर दिया है। मैं इधर सफाई में मसरूफ़ था। मैं सोच रहा था कि जो हमारे नए चिक्स हैं और जो डक्स के चिक्स हैं तो उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, तो पीछे से कौवा आया है और हमारे एक डक के चिक्स को उठा कर ले गया है। छोटे छोटे बेबी नहाकर बाहर आ गए हैं। मैंने अभी इनको यहाँ ज़मीन पर छोड़ा है ताकि ज़रा पानी अपना यहाँ कुछ कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। नहीं, हमारे बड़े चूजे जो कि इंतज़ार में हैं उनको सबसे पहले हम आज बाहर निकालते हैं। ये देखो मुर्गी भी उनके साथ ही ट्रेन हो गई है। ये देखिए ये भी उनके साथ ही बाहर जा सकते हैं। तो अब खुड़क तो माशाल्लाह ये छोड़ चुकी है, तो लिहाजा आज मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा और देखता हूँ कि ऊपर इसकी क्या हरकत है। उसको चले आएंगे, आ जाएं इधर वापस अपने घर में चले जाएं। इनको आज के दिन बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर कचरा रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं नहीं चाह रहा कि उसको अभी छेड़ें। एक दो दिन तक जब उसके अंदर मैग्रेट्स पैदा हो जाएंगे फिर अपने बड़े जानवरों को हम बाहर निकालेंगे। सही चिक्स को देखते हैं कितने निकल आए हैं। एक दो तीन मसला निकले हुए हैं, तो ये अंडा भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो गया लेकिन निकला नहीं और ज़िंदा है अंदर इसके भी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि कल दोपहर से ये ऐसे ही है, बल्कि कल सुबह से इसके ऊपर क्रैकिंग थी। तो 24 घंटे होने वाले। ओ नहीं 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 देखना नहीं है, ये क्या हो गया यार, अकल करो, अभी से झगड़ा शुरू कर दिया है। इसकी थोड़ी सी हेल्प मैंने कर दी है, तो ये देखें ये इतना सा बाहर आ गया है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाए। तो दोस्तों ये जो है ना चूजा जी सबको मार रहा है, मेरा ख्याल है कि इसको निकले हुए 24 घंटे हो गए हैं तो इसको भूख लगी होगी, तो जिसकी वजह से ये दूसरे चूज़ों को नोच रहा है। तो मैं इन तीन चीज़ों को ले जाता हूँ बाहर और इनकी फ्लशिंग करते हैं। तब तक ये जब जरा भी हमारा सेट हो जाएगा तो इसको भी ले जाएंगे। डक के बेबी बाहर आ चुके हैं तो मैं ये ब्रूडर निकाल लेता हूँ बाहर। और ये देखें यार कितना गंद मचाया हुआ है, गंद बहुत मचाते हैं। चले खैर ये लें जी, अब आपकी बाउंड्री लगी है, इससे बाहर नहीं आपने जाना। यार फिर कभी भी एक दूसरे को नोच रहे हो। ये देखो खाना थोड़ा सा पी लो, फ्लशिंग हो जाए उसके बाद आपको हम खाना देंगे, ठीक है? चल हाँ जी, आपने क्या करना है, दौड़ लगानी है? चलो चलें फिर, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार ये क्रेजी फोर ने तो एकदम मचाई हुई है, उनको बाहर नज़र आ रहा हूँ लेकिन उनका पेज नहीं खुला ही होगा। आ जाओ जी, आप भी बाहर आ जाओ, इनके पास नहीं जाना अभी। हाँ जी आपने भी बाहर आना है, आपने तो अपना सारा खाना ख़त्म किया हुआ है। बेबी डक्स का ये जो खाना पड़ा हुआ है तो मैं ऐसा करता हूँ ये अपने छोटे चीज़ों को दे देता हूँ ताकि वो ख़त्म कर दे और आए थे हम इनका ड्राई खाना शुरू कर देते हैं। चले भाई छोटू गैंग आ जाओ, इन्होंने तो इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर देना है। दोस्तों एक नुकसान हो गया है, मैं इधर सफाई में मसरूफ़ था। मैं सोच रहा था कि जो हमारे नए चिक्स हैं और जो डक्स के चिक्स हैं तो उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, तो पीछे से कौवा आया है और हमारे एक डक के चिक्स को उठा कर ले गया है। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, जब इनकी अचानक से आवाज़ आई है मैंने मुड़ कर देखा इतने में वो एक चिक्स को उठा कर ले गया था। तो अब हमारे जो डक्स के चिक्स हैं ये सिर्फ साथ रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है मैं इनको पहले किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं, उसके बाद ही अपने बाकी के काम करूं। अपने डक्स के बेबीज को भी मैंने इधर ही डाल दिया ब्रूडर के अंदर ही चूज़ों के साथ, तो जब तक मैं इनके केज को रेडी करता हूं तब तक ये यहां रह लेंगे। वो देखो अभी भी कौवा यहां फिर रहा है,
और देखो हमारे क्रेजी फोर है वो वहाँ नीचे छुप गए हैं। तेरी मैं कहाँ रात ना जा रहा है अभी भी यहीं फिर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे बेबी डक्स हैं उनको नहाने का बहुत शौक है, तो उनके लिए आज मैंने ये पूल तैयार किया है, तो चले उनको इस पूल के अंदर लेकर आते हैं। हाँ जी चले, हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नहीं जी ये अच्छा, पहले खुद नहाते हैं, हमने डाला है तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल ये है ना थोड़ी डरी हुई है कि उनके एक साथी को कौवा ले गया इनके सामने, तो इसलिए भी ज़रा डरी हुई है। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह सेटिंग हो जाएगी इनकी। काफ़ी नहा लिया हमारे डक्स ने, और ये देखिए पानी भी कितना गंदा कर दिया इन्होंने, मैल के चाल इनकी सारी उतर गई है। तो चलो दोस्तों वापस इनको इनके केज में डाल देते हैं। रद्दा तो मेरा ये था कि मैं इनको इस केज में डाल दूँ, इसको रेडी कर लिया है मैंने। तो असील चिक्स को मैंने जब से यहाँ पर छोड़ा है तो मेरे ख्याल में ये जगह बहुत ज़्यादा वाइड है इनके लिए, और अभी ये छोटे हैं तो कोई 5-7 दिन इनको ब्रूडर में ही रहना बेहतर है। ये छोटे छोटे बेबी नहाकर बाहर आ गए हैं, मैंने अभी इनको जहाँ ज़मीन पर छोड़ा है ताकि ज़रा पानी अपना यहाँ खुश कर लें। बेबी डक्स को वापस इसी ब्रूडर में शिफ्ट कर दिया है, और जो हमारे सील के चिक्स हैं उनको भी इन्हीं के साथ यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो फिलहाल तो ये चिक्स से डर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी दोस्ती हो जाएगी इनकी आपस में, मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। असील चिक्स को भूख लगी हुई थी तो इन्होंने आते ही खाना खाना शुरू कर दिया, हालांकि इतनी जल्दी खाना खाना शुरू नहीं करते। तो एक जो था वो तकरीबन 24 घंटे से ऊपर की एज हो चुकी है उसकी, तो इसलिए उसको भूख लगी थी, उसने खाना शुरू किया है। तो बाकी जो दो हैं उन्होंने भी उसके साथ खाना शुरू कर दिया है, ये देखें। और जो हमारे डक्स के बेबीज हैं वो अभी डरे हुए हैं, साइड पर लग गए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और डक्स का बेबी है जिसके चोट लगी हुई है सर के ऊपर, मैंने थोड़ी देर पहले देखा है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये ब्लड सा निकल रहा था, तो ये नहीं पता चला अब कैसे लगी है। यह हो सकता है कौवा इसको उठाने के लगा हो तो चूँच लगी हो, लेकिन ये भाग गया हो तो उसके बाद दूसरे को उठा कर ले गया हो, फिलहाल पता नहीं। वैसे उसके बाद जब नहा भी रहे थे तो अभी इतना कोई पता नहीं चला, अब मैंने गौर से देखा तो ये नज़र आया है। यार अंदर के मामला बड़े ख़राब हैं, ये देखें जो हमारे सील के चिक्स हैं वो तो माशाल्लाह अच्छे खासे खेल रहे हैं, लेकिन जो हमारे डक्स के बेबीज हैं ना ये इनको नहीं खेलने दे रहे। ये देखें ये सारे एक कोने में लग गए हैं, तो ये इनको मार भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस डक्स के बेबी को जो चोट लगी है ये इन्हीं में से किसी ने मारा होगा, क्योंकि ये देखें मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, मैंने कहा शायद थोड़ी देर में खुल जाए, ये देखें फिर आया मारने के लिए, और सारे डर रहे हैं इनसे। तो यार मेरा नहीं ख्याल कि ये काम ठीक रहेगा इनको एक जगह पर छोड़ना। बड़े चूज़ों ने आज काफ़ी तैयार कर ली है, सुबह से जब से मैं ऊपर गया हूँ तब से ये बाहर निकले हुए हैं और मेरे पास ये आ गए हैं, ये समझ रहे हैं शायद कोई खाने वाली चीज़ होगी, लेकिन अब मैं इनको वापस खेलने लेके जा रहा हूँ। आ जाओ भाई, तो वो नहीं आ रहे, वो समझ आ रहे हैं शायद। चले अभी अरे चले, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश शाबाश। अच्छा 6 अंदर आ गए, ये फिर वापस आ रहे हैं, और 2 वो बाहर। आ जाओ भाई आ जाओ,
नहीं ऐसे नहीं आएंगे, मैं उनको लेकर आता हूँ। इतनी ज़्यादा सैर करने के बाद भी इनका दिल नहीं करता अंदर आने को। ये देखें, ये जो हमारे सील के चिक्स हैं उनको मैंने ऐसे ज़रा अलग कर दिया है इसी केज के अंदर, तो ये ज़रा बड़ा भी ऐसे है इनसे बाहर ही निकल होगा। खाना भी इनका रख दिया है, पानी में कंटेनर लेकर आता हूँ, वो भी रख देते हैं। और इनको इधर शिफ्ट करने का फ़ायदा ये हुआ, जो हमारी डक्स हैं जो एक ही जगह पर लग के बैठ गई थी, अब ये भी माशाल्लाह खेलने लग गई हैं, इधर उधर फिरना शुरू हो गई हैं। तो जो हमारे एक चिक्स है वो अभी इंक्यूबेटर के अंदर ही है, क्योंकि वो उसके बाल अभी बिल्कुल खुश्क नहीं हुए। तो वैसे फ्लशिंग मैंने उसकी कर दी है, मीठा पानी उसको दे दिया है, तो तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद देखेंगे फिर उसके बाल खुश्क हो गए, वो चलना शुरू हो गया, तो उसको वापस इनके साथ छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी माशाल्लाह हमारे छोटे छोटे रैबिट्स भी आ गए हैं बाहर खाना खाने के लिए। अब जब इनको भी भूख लगती है तो ये बाहर ही आते हैं, पहले मदर फीड करते थे तब इनको फिक्र नहीं होती थी बाहर आने की। अब ये देखें माशाल्लाह खाना शुरू हो गए हैं। हाँ जी आप नहीं खा रहे? वे 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 वे, अभी नहीं ये टाइम हो गया। ये देखें हमारा बनी बड़ा हो गया है, तो ये हमारे साथ माशाल्लाह टाइम हो चुका है।